नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना आप सभी को पता ही है। बिहार में बेरोजगारी भत्ता के लिए 1000 रुपये महीना दिया जाता है 2 साल तक, यानी 24 महीनों तक ये आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। ये किन लोगों को दिया जाता है? तो इंटर पास जो छात्र हैं उनको ये लाभ दिया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिसमें 4 लाख का एजुकेशन लोन दिया जाता है आगे की पढ़ाई करने के लिए, तो इसका भी लाभ ले सकते हैं बिहार का स्टूडेंट। इसमें भी वही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इंटर पास छात्र इसका लाभ ले सकते हैं। बिहार में कुशल युवा प्रोग्राम के बारे में आप लोग जानते होंगे, KYP, तो इसका भी लाभ इंटर पास छात्र ले सकते हैं। तो तीनों का प्रोसेस एक जैसा ही है। तो कौन कौन इसमें भाग ले सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं, ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों ऑनलाइन का तो वीडियो मैंने पहले ही बना दिया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देखिएगा। और डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ऑनलाइन कैसे करना है। तो जो दोस्तों आप लोग जो ये देख रहे हैं, ये बिहार का मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, जितने भी बिहार में योजना है उसकी प्लेलिस्ट है। इसमें धीरे धीरे और भी वीडियो जोड़ूंगा जिससे आपको लाभ हो सकता है। तो देख सकते हैं इसमें दिया गया है बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना पार्ट 2 है ये, और पार्ट 1 ये रहा। और बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना जो था, इसका 1000 रुपये महीना, कैसे करें ऑनलाइन आवेदन, इसका वीडियो मैंने पहले ही बना दिया था। इसे लगभग 3 लाख लोगों ने देखा भी है और बहुत सारे लोगों ने फायदा भी लिया है। वही बात करें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, तो इसमें भी बताया गया था कैसे ऑनलाइन करना है। तो ये सब वीडियो आप आसानी से देखकर ऑनलाइन अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल से मैं करने की सलाह किसी को नहीं देता हूं, क्योंकि मोबाइल से करने पे फंस जाता है, ठीक है। तो मोबाइल से ना करें, कंप्यूटर से करें, या आपको नहीं आता है तो साइबर कैफे से करवा लें। और ये आपका ये बेरोजगारी भत्ता में जिनको मिल रहा था उनका पैसा अगर अटक गया है तो किस कारण से अटका है, कैसे फिर से मिलेगा, तो इसकी जानकारी इस वीडियो दी गई थी। तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सारे के सारे प्लेलिस्ट के रूप में मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप डायरेक्ट ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। और तो मैं आपको दिखा देता हूं, सबसे पहले ऑनलाइन करने से क्या होगा जब तक आपके पास जानकारी ना हो, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। तो बने रहिए लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल के अपडेट्स के लिए। सॉरी, तो लास्ट तक बने रहे वीडियो के लास्ट तक, और पल पल के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे बिहार मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना यानी बेरोजगारी भत्ता के बारे में, ठीक है। तो बेरोजगारी भत्ता में आपको 1000 रुपये महीना दिया जाता है, ठीक है। इसमें 24 महीने तक आपको पैसा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम है। ये पैसा आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप आसानी से कोई रोजगार ढूँढ सकें। आप लोग पूछते हैं, बार बार यही पूछते हैं कि क्या इसको लेने के बाद सरकारी नौकरी लेने में कोई परेशानी होगी? तो जी दोस्तों, इसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। ये पैसा आपको इसीलिए दिया जाता है ताकि आप आसानी से अपना कोई जॉब ढूंढ सके उसी पैसों से, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे पूरा डिटेल दिया गया है, मैं आपको सारा डिटेल दिखा देता हूं। तो दोस्तों सभी के लिए खुशखबरी का मौका है, बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता के रूप में 1000 रुपया हर महीने देती है, तभी वह बेरोजगार लोग राशि को रोजगार ढूंढने में उपयोग कर सके, ठीक है। रोजगार ढूंढने के लिए ही आपको ये पैसा दिया जाता है। अगर आपको सरकारी नौकरी लग जाती है तो भी इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होती है, ठीक है। तो आप लोग ये चिंता मत करें कि इसको पैसा ले लेंगे तो आपको कोई दिक्कत होगी, सरकारी नौकरी लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसे 1000 रुपया आप लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन कैसे करना है, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप आसानी से ऑनलाइन कर पाएंगे। तो जो प्रमुख बातें हैं यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, प्रमुख बात है एक नंबर में देखिएगा, इस योजना में 12वीं पास बेरोजगारों को हर महीने 1000 रुपये की राशि दी जाती है, ठीक है। और इस राशि को रोजगार ढूंढने में प्रयोग किया जाता है, इससे बेरोजगारी दूर की जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 1000 से क्या होगा, इससे क्या होगा,
जी हो दोस्तों, ये पैसा आपको खाने के लिए नहीं दी जाती है, आपको रोजगार ढूंढने के लिए दी जाती है, ठीक है। इसी को बेरोजगारी भत्ता कहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए इसमें क्या क्या होना चाहिए। तो आवेदक बिहार का रहने वाला होना चाहिए, आवेदक की उम्र, ठीक है, आवेदक की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ठीक है, इससे कम भी नहीं, इससे ज़्यादा भी नहीं। और आवेदक के पास कोई रोजगार नहीं होना चाहिए, यानी वो बेरोजगार होना चाहिए तभी ये लाभ ले सकते हैं। और इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को बेसिक कंप्यूटर का कोर्स करना होगा, यानी KYP, और जिन्होंने कर लिया है उनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो जिन्होंने KYP कर लिया है उनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने नहीं किया है उनको करना पड़ता है। और इसके लिए क्या क्या कागजात डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट आप अपने गार्जियन का भी दे सकते हैं, आप अपना भी दे सकते हैं, क्योंकि आप बेरोजगार हैं तो आपका इनकम सर्टिफिकेट क्या होगा, ये तो होता नहीं है। लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूँ, CO के लेवल से आपके नाम से ही बनाया जाता है, जो कि आपका पारिवारिक डिटेल उसमें दिया जाता है, ठीक है। तो आप अपने नाम से ही बनाए इनकम सर्टिफिकेट, और आपका जो फैमिली इनकम है वो दर्शाया जाता है इनकम सर्टिफिकेट में, ठीक है। आय प्रमाण पत्र आपको देना होगा, और बिहार का बोनिफाइड, यानी आप आपको बिहार का आवासीय प्रमाण पत्र आपको देना होगा। इस योजना में सबसे ज़रूरी बात तो है, जो है दोस्तों, इस योजना को ऑनलाइन करने के बाद, जिस दिन आप ऑनलाइन करेंगे उसके 30 दिनों के अंदर आपको जिला कार्यालय में जाना होता है, ठीक है। DRCC ऑफिस में जाकर, सभी ज़िलों में DRCC ऑफिस होता है, ये आपको पता करना है कि कहाँ पे है, ठीक है, आपके ज़िले में कहाँ पे है, ये किसी को नहीं पता, ये आपको ही पता करना होगा कि DRCC ऑफिस आपके ज़िले में कहाँ है। वहाँ जाकर आपको वेरिफिकेशन करवाना होता है, जिसके लिए आपको CLC ओरिजिनल दिखाना अनिवार्य है, ओरिजिनल दिखाया जाता है, ठीक है, देखा जाता है, और आपको फोटोकॉपी जो है जमा ले लेता है। CLC आपको ओरिजिनल देखेगा, क्योंकि अगर आप आगे BA वगैरह कर रहे हैं तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे CLC ओरिजिनल देखा जाता है। जब तक आप CLC वहाँ पे ओरिजिनल नहीं दिखाएंगे DRCC ऑफिस में, तब तक आपको ये पैसा नहीं मिलता है। पैसा अगर मिलना शुरू भी हो जाता है तो आपको हर महीने एक मैसेज भेजना होता है, जो कि आपको DRCC ऑफिस में बता दिया जाएगा, ठीक है। जब भी आप ऑनलाइन करें तो 30 दिनों के भीतर यहाँ पे जाके संपर्क कर ले, DRCC ऑफिस आपके ज़िले में अवस्थित है। अब दोस्तों बात करते हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। तो इसमें भी अच्छी खासी फ़ायदा दिया जाता है स्टूडेंट को, तो इसकी जो मुख्य जानकारी है मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे देखिएगा, दिया गया है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो ये आपको डिटेल दिया गया है, और यहाँ पर देखिए दिया गया है कि प्यारे बिहार के विद्यार्थियों, अब आप सभी के लिए खुशखबरी का मौका है। बिहार सरकार ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ किया है, जिसके अंतर्गत आपको 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण दिया जाता है, एजुकेशन लोन दिया जाता है। इसके लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं के बाद अगर आप टेक्निकल डिग्री लेना चाहते हैं तो कहीं भी, तो जितने भी रजिस्टर्ड दिए गए हैं संस्थान उसमें आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 4 लाख तक का शिक्षा ऋण दिया जाता है, जिसमें आपको कम ब्याज दर पर लोन मिलता है, जिसे आपको सरकारी नौकरी होने पे या जॉब होने पे आपको चुकाना पड़ता है। इस योजना का शुभारंभ जो है दोस्तों 2015 से 20 तक किया गया था। इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य 2015 से 20 तक छात्रों को क्रेडिट कार्ड मुहैया कराना है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में कौन से विद्यार्थी भाग लेंगे तथा अंकुरण किस प्रकार मिलेगा, ऋण किस प्रकार में, इसकी पूरी जानकारी मिलेगी, मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूं, तो देखते रहिएगा, ठीक है। तो यहां पे दिया गया है, उच्च शिक्षण संस्थान में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो इसके लिए आपको 12वीं पास होना अनिवार्य है। उच्च शिक्षण संस्थान से प्रवेश संबंधित प्रमाण पत्र या चयन प्रमाण पत्र आपको देना होता है, ठीक है। संस्थान द्वारा जारी किए गए जाने वाले शिक्षा के लिए फीस का जो विस्तृत दस्तावेज होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है, वो आपको देना होता है। आवासीय प्रमाण पत्र देना होता है, 12वीं अगर आपने पास किया है तो उसका प्रमाण पत्र देना होता है, और ऑनलाइन आवेदन करना होता है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है,
यहाँ पे नवीनतम फोटो आपको लगाना होता है, पैन कार्ड देना होता है, पैन कार्ड का डिटेल, ठीक है। प्रत्येक छात्र, माता पिता और गारंटर सभी के दो दो फोटो लगाए जाते हैं, पिछले साल के परिवार के आय प्रमाण पत्र, ठीक है, फैमिली का आय प्रमाण पत्र लगाया जाता है, और फॉर्म 16, ठीक है, ये आपका आयकर रिटर्न का फॉर्म होता है, पिछले 2 वर्ष में आय का लाभ, माता पिता के बैंक खातों की अंतिम 6 महीनों का ब्यौरा, आयकर आदि अग्रिम कर, संपत्ति कर या नगर पालिका समिति कर की रसीद, अन्य व्यक्तिगत पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक पहचान पत्र आपको देना होता है, ठीक है। इस योजना को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में शिक्षा विभाग के साथ बैंकों का होगा करार हो चुका है, और इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको बिहार का निवासी होना चाहिए, ठीक है। आवेदन देने के समय विद्यार्थी की उम्र 25 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, 25 साल से कम उम्र वाले ही इसको आवेदन कर सकते हैं, और उसके बाद आवेदन करने के बाद आपको जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर विद्यार्थियों को जाना होता है, जहाँ पर आपको वेरिफिकेशन वगैरह करवाना होता है, ठीक है। और ऑनलाइन करने के लिए देखिए दोस्तों, ये वेबसाइट है, नोट कर लीजिएगा, www.satnischay-yuvamission.bihar.gov.in, इस पे जाकर आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और सेम टू सेम वही प्रोसेस है, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको DRCC ऑफिस जाना होगा। आवेदन कैसे करना है ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप मैंने पहले ही वीडियो बना दिया था, इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको नहीं बता रहा हूँ कि कैसे आवेदन करना है। ये वीडियो देखिए, आप लोग देख लीजिएगा, इस वीडियो को देखिएगा तो पूरा डिटेल इसमें मैंने बताया है कैसे ऑनलाइन करना है, स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप करके मैंने सारा कुछ इस वीडियो में बताया है, तो इसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने वेबसाइट को ओपन कर दिया है, यहाँ से आप नोट भी कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैंने दे दिया है, जहाँ से आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। तीनों जो मैंने आपको दिखाया था कि KYP हो गया, कुशल युवा प्रोग्राम, बेरोजगारी भत्ता और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए यहाँ से डायरेक्टली आप आवेदन कर पाएंगे। देखिए यहाँ न्यू एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप सारा कुछ कर सकते हैं। तो कैसे ऑनलाइन करना है ये मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे आकर आप अपना तीनों का एक ही प्रोसेस है, हूबहू एक ही टाइप से आवेदन किया जाता है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है, तो आप आवेदन आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। किसके लिए? तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना यानी बेरोजगारी भत्ता योजना और कुशल युवा प्रोग्राम के लिए यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप तीनों में से कोई एक ही लाभ ले सकते हैं, ठीक है। जब आप अपना आधार कार्ड एक स्कीम के लिए सेलेक्ट कर लेंगे तो दोबारा डालिएगा तो आपका आवेदन नहीं होगा, तो तीनों में से कोई एक ही आवेदन कर पाएंगे, ठीक है, यही प्रोसेस है। ये आप लोगों का सवाल था कि KYP कर लिया है तो क्या मैं मुख्यमंत्री सहायता भत्ता योजना ले सकता हूँ? जी नहीं दोस्तों, आपने अगर कुशल युवा प्रोग्राम का लाभ ले लिया है तो स्वयं सहायता भत्ता का नहीं ले सकते। हाँ, अगर आप नए छात्र हैं तो दोनों का लाभ एक साथ ले सकते हैं, ठीक है, दोनों का लाभ, स्टूडेंट ये मुख्यमंत्री सहायता भत्ता योजना और ये आपका कुशल युवा प्रोग्राम जो है, दोनों का लाभ एक साथ ले सकते हैं। तो ये है जानकारी। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल रह गई है तो कमेंट करिएगा, मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।